भोजली का पर्व एक तो सांस्कृतिक धरोहर है ये, और बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि भोजली के संबंध में हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि इतिहास में तो बहुत ही प्राचीनता पर महसूस होती है, क्योंकि ये पर्व नौमी तिथि श्रावण मास उसमें से प्रारंभ होती है। अतएव ये पर्व स्वयमेव ही देवी के से संबंधित पर्व है, ये सिद्ध हो जाता है, और देवी के ही मान करके, देवी के रूप में स्वीकार करके इनकी पूजा की जाती है। मंत्र वगैरह भी जब हम बोलते हैं, पूजन भी करते हैं, तो देवी मानकर ही स्वीकार करके पूजन करते हैं। इस तरह से यह देवी का पर्व नवमी तिथि में, क्योंकि नवमी दुर्गा जी का प्रबल तिथि के अंतर्गत है, क्योंकि नवमी तिथि में दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, चौदस को पूजा करनी चाहिए, अष्टमी को पूजा करनी चाहिए, नवमी को पाठ, अष्टमी को और चौदस को, ये स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख है। उसी तरह से ये नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस तरह से यह दुर्गा जी से संबंधित भोजली का पर्व तो है ही है, और ये इस पर्व के प्राचीनता हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीनता में अभी वर्तमान हमारे पास जैसे आला उदल का प्रसंग है, आला उदल के बारे में तो जानते ही हैं, और ये आला उदल के बारे में भविष्य में भविष्य पुराण में एक उल्लेख आता है कि आला और उदल दोनों, आला उदल और मलखाम, ये तीनों भाई धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के अवतार हैं, ये भविष्य पुराण में उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि आला उदल का जो पर्व है वह भी एक ऐतिहासिक है, और जब भी कोई घटना घटती है तो इन चारों युगों में हमेशा घटती आई है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, बारंबार ये युग आता है और बारंबार कथाएं पुनः होती रहती हैं, ये कहा गया है। इस तरह से द्वापर में युधिष्ठिर आदि, भीम आदि का युग था, और ये कलयुग में आला उदल का युग आया। तो यह यदि हम ये स्वीकार करें कि ये पूर्व का द्वापर होगा, बहुत पहले के द्वापर, तो कई हजार लाखों वर्ष पुराने ये भोजली की परंपरा समझ में आती है, लाखों वर्ष पुराने प्राचीनता समझो, जब प्रथम शुरुआत में कलयुग आया होगा उस समय से ही ये पर्व है, इतनी प्राचीन पर्व है और इसको परंपरा से मना रहे हैं। तो राजमहल में मनाने के पीछे इसका कारण यही है, क्योंकि राजा और महाराजा ये एक श्रेष्ठ मानव कहलाते थे, और श्रेष्ठ मानव जिस तरह आचरण करते हैं वैसी प्रजा करती है, ये नियम है। यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्त देवतरे जना, तो जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े हैं, जो राजा महाराजा हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे आचरण करेंगे प्रजा उसी के अनुसार चलेगी। तो ये भोजली की परंपरा को स्वीकार किए, और बहुत वर्षों से, बहुत प्राचीन वर्षों से ये परंपरा को प्राचीनतम परंपरा मान के स्वीकार किए, और ये परंपरा चलती रही। इसके पीछे कारण ये है कि भोजली के पर्व विशेष करके कन्याओं के लिए है, कन्या अपने वर वगैरह चाहती हैं, इस कारण भी देवी देवता की आराधना करती हैं, श्रावण मास में सोमवार की व्रत करती हैं, देवी देवताओं की आराधना करती ही रहती हैं। तो ये भोजली ग्रुप में भी उन्होंने देवी देवता की आराधना किया, इसलिए इन्हें रानी साहिबा लोग मनाते हैं, क्योंकि रानी साहिबा जो है, रानी साहिबा राजकुमारी, इनके मनाने की परंपरा रही है, रानी या राजकुमारी की, तो इस कारण या राजा रानी के मनाने की परंपरा दिखाई पड़ते हैं यहाँ। ये बहुत प्राचीन परंपरा है, जिस तरह से राजा साहब दशहरा पर्व में निकलते हैं, दशहरा उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से रानी साहिबा के लिए ये भोजली का पर्व उतना ही महत्वपूर्ण है, और ये जनता को एक प्रकार से अपने तरफ से सूचना देती हैं कि ऐसी परंपरा को मनाना चाहिए, और जिससे हमारा और जनता के बीच संबंध बना रहे, इसी अर्थ पर इसे मनाया जाता है और हमेशा मनाना चाहिए। मैं इतना ही करना चाहूँगा।